जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज अब आप सबके सामने आ रही है ये पूरी वीडियो कि कन्हैया जयपुर जब हमें लेकर गया तो क्यों लेकर गया और क्यों बिहारी जी ने कहा कि उन्हें जयपुर से आया हुआ फैब्रिक यूज़ करना है। देखिए, हम सब मंदबुद्धि हैं, हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है, इसलिए भाई जाना पड़ेगा। तो शाम को 8 बजे रात को हम निकल गए थे। हमने सोचा था कि रात में ट्रेवल करेंगे और सुबह में शॉपिंग कर लेंगे तो हमारा एक दिन पूरा बच जाएगा और हमें रिटर्न भी लौटना है। खुशी, मुकुंद और मम्मी घर पे ही थे सेवा के लिए, तो मैं, सोना, कन्हैया, साथ में मेरी फ्रेंड, हम साथ में निकल गए। अब जब हम पहुँचे, अब आपको मैं बताऊँ, हम जयपुर में एंटर हो चुके हैं, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। रात के बज रहे थे 1 से 1.5, हम इतने बजे जयपुर पहुँच चुके थे और गाड़ी से ही गए थे इसलिए आराम से पहुँच गए, और रात की वक्त गए इसलिए रास्ते भी खाली थे, तो समय पर हम जयपुर पहुँच गए हैं। और जयपुर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना मनभावन है और बहुत सुंदर लग रहा था रात को। तो मैं आपको बताऊँ, दिन का नज़ारा भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन रात में जो दृश्य था वो बहुत बहुत मनोरम और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। चारों तरफ एक जैसे घर दिख रहे थे, एक ही जैसी लाइट जल रही थी और थोड़ा पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन था, तो बेहद सुंदर लग रहा था। आप देखिए, ये गोल चक्कर बीच में एक आ रहा था और हम देख रहे थे। रात में सच कहूँ तो बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि ये ना तो सुबह थी ना शाम था, आप हवा महल देख सकते हो, तो जयपुर काफ़ी सुंदर लगा हमें और अच्छा लग रहा था। और यहाँ की एक सबसे बड़ी ख़ास बात क्या थी कि यहाँ की जो दुकानें थी वो बड़ी सलीके से थी, एक जैसी दुकान थी। और हम पहुँच गए थे गोविंद देव जी के द्वार पर और पट इस समय लगे हुए थे और हमें नहीं पता था, आप यकीन मानिए, हमको नहीं पता था कि हमारे चौथे बांके बिहारी जी यहाँ पर विराजमान है। अब आप कहोगे चौथे बांके बिहारी जी, जी बिल्कुल सत्य कहा, 3 बिहारी जी हमारे वृंदावन में हैं और ये चौथे बिहारी जी हैं जिन्हें हम गोविंद देव जी के नाम से जानते हैं। अब हमें समझ आ गया था कि हमें प्रभु ने जयपुर क्यों आने के लिए बोला, और ये रहस्य हमें पता चल चुका था, क्योंकि प्रभु को देने थे अपने दर्शन और हम पहले ही कहा मूर्ख लोग, हमको नहीं पता है कुछ भी। अब रात के बज रहे थे 2, हमने सोचा अब रात को क्या कहीं रुकेंगे, रुकने से बेहतर है कि क्यों ना हम सालासर बालाजी चलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, खाटू श्याम जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक आप सालासर बालाजी के दर्शन नहीं करते। तो हम पहुंच चुके थे वहां पे, हमने एक होटल में रूम लिया और सिर्फ नहा धो के हम 4:30-5 बजे हम रेडी हो चुके थे दर्शनों के लिए, क्योंकि 5 बजे उनके दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम, मैं, कन्हैया अपने रेडी हो गए हैं, ये देखिए, और नहा धो के हम लोग निकल आए थे सालासर बालाजी। और हमने यहाँ पर ये आपको मैं बता दूँ ये कहाँ पर है, ये खाटू श्याम जी के लिए जब हम जाते हैं तो उनसे आगे हैं ये सालासर बालाजी, और मैं प्रथम बार ही यहाँ आई हूँ और ये सब कृपा कान्हा जी ने की है। कैसे की है ये सब मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने हमें 4 दिन में ही इतने सुंदर सुंदर भव्य दर्शन अपने कराए ऐसे स्थानों के, कि जिनकी वजह से जो दर्शन पूर्ण नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जब हम खाटू श्याम गए थे तो हम सालासर बालाजी नहीं आए थे, लेकिन इस बार हम सालासर बालाजी सबसे पहले आए। और यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत आनंद आ रहा था, कन्हैया को भी, सोना को भी, सभी जो साथ में थे बहुत आनंद ले रहे थे। यहाँ भी बहुत चलना पड़ता है, मैं आपको बता दूँ, अंदर ही अंदर। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ, तो आप देख सकते हैं। अब कैमरा साथ में था, बड़े बड़े कैमरे तो देखिए हमारे पास है नहीं जिससे हम शूट करें, हमारे पास तो हमारा एक वही मोबाइल है और हम अपने मोबाइल से ही आप सबके लिए ये सुंदर सुंदर वीडियो शूट कर लेते हैं और उसको आराम से लेके आया जाया भी सकता है ना।
हाँ भविष्य में अगर कभी मन हुआ तो देखेंगे भाई बड़ा वाला कैमरा भी है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। ये तो जस्ट एक बात है, ऐसे ही विचार आ गया और मैंने बोल दिया। खैर अब हम यहाँ गेट नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं। ऐसे ही हमें कई गेटों को पार करना था और गेटों को पार करते 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 हमने देखा बालाजी तो सोने के भवन में बैठते हैं। यस, आपको कहोगे सोने का भवन, हाँ जी वो पूरा सोने का बना हुआ है अंदर की तरफ, लेकिन वहाँ पर फ़ोन ले जाना मना है, वहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से उतरने के बाद अब जो अंतिम चढ़ाई जो चढ़ी जाएगी वो सालासर बालाजी की है। ये दूसरा स्थान है उनका, यहाँ पर हमने दर्शन किए और वहाँ प्रभु से दर्शन करते हुए उनका भोग प्रसादी उनको अर्पण करते हुए, हाँ कन्हैया के बहुत सारे फैंस भी वहाँ मिल ही जाते हैं। आपको पता है कन्हैया तो भैया बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, तो उसके भक्तों का मिलना तो नॉर्मल बात है। अब हम निकल गए हैं खाटू श्याम जी के लिए और खाटू श्याम हम पहुंच गए थे 10 बजे करीब, और यहाँ से हमें करने थे खाटू श्याम जी के दर्शन, क्योंकि हमें दोबारा से रिटर्न कहाँ लौटना है, जयपुर। क्योंकि जयपुर इसलिए जाना है क्योंकि इसी रात को हमें वापस घर भी पहुंचना है। तो देखिए प्रभु की इतनी हमारे साथ अनुकंपा है कि भैया हमारी जो गाड़ी है वो भी एरोप्लेन की तरह चलती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब हुई जो मैं इस वीडियो में तो आपको नहीं बता पाऊँगी, अगर वो बताऊँगी तो ये चीज़ बीच में मिसमैच हो जाएगी। तो ये लीलाओं के जो पार्ट जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर प्रभु ने क्या क्या लीला करी थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर खाटू श्याम में कन्हैया ने की बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारे इत्र, और ये देखिए उसने पहन लिए अपने फेवरेट ड्रेस वहाँ जाके, और यहाँ से हमने बहुत सारे इत्र भी लिए लाला के पसंद के, और उन इत्रों को लेकर लाला बेहद खुश था। साथ में कुछ थोड़ी सी शॉपिंग भी की लाइक हमारी ठकुरानी यानी हमारी प्रिया जी के लिए। और ये सब लेते हुए खाटू श्याम में हमने बहुत ही सुंदर दर्शन किए बाबा के, और ले जाने के बाद उनके मेन द्वार से होते हुए हम मतलब बहुत अच्छा अनुभव कर रहे थे। कन्हैया को बहुत आनंद आ रहा था तो हमने सोचा चलो क्यों ना एक वीडियो ही शूट कर ली जाए, और यहाँ पर ही हमने कहा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ले लो भाई, कन्हैया को धूप लग रही है, जल्दी से हमें गाड़ी में बैठकर अरे पुनः हमें जयपुर पहुँचना है भाई, जाना है जल्दी से कान्हा जी के लिए वस्त्र जो खरीदने थे। तो इस तरह से हम सालासर होते हुए खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपने मेन स्थान, और अब हमें पहुंचना है जयपुर। तो हमारी गाड़ी निकल चुकी है जयपुर के लिए, और जयपुर में देखिए हम कर रहे हैं सबसे पहले दर्शन, सॉरी हम कर रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि कान्हा जी के वस्त्र ढूंढना बड़ा टफ था। देख पता है यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ और लहंगे बहुत थे, अनंत लहंगे थे, जिनमें से एक पोशाक मैंने अपने लिए भी ली और एक लहंगा भी लिया, वो लहंगा भी मैंने स्टिच नहीं करवाया है, अच्छा था। और कीमत की अगर बात करूँ तो कीमत का कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं जयपुर में बड़ा सस्ता, लेकिन मुझे ऐसा कोई ख़ास अंदाज़ नज़र नहीं आया, मुझे सेम सेम वही लग रहा था। लेकिन फिर भी कान्हा जी के कहे अनुरूप उनके लिए 8 से 9 पोशाकें हमने यहाँ से ली, हवा महल के पास थोड़ा सा घूमे भी। अब शाम का वक्त हो रहा था और अब हमें कहीं जाना भी था। अब आप कहोगे कहाँ जाना था, तो जाना था हमें खास अपने बिहारी जी के पास। हाँ तो अरे आप सब तो बड़ी जल्दी पहचान गए, अब हम पहुँच गए हैं गोविंद देव जी के पास, उनके शरण में। तो यहाँ से हम बालाजी के दर्शन करते हुए हम अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले तो प्रथम दर्शन हमने गोविंद देव जी के पट बंद थे ना रात में ही कर लिए थे, उसके बाद हम अंदर जाने लगे। सच बोलूँ बहुत आनंद आ रहा था और मुझे इनके बारे में नहीं पता था, मैं आपको सच बता रही हूँ। कन्हैया सोना की पीठ पे लदे हुए हैं और वो भैया चल दिए हैं, उनको तो गाड़ी यहीं पर मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त जो इतना आदर और सम्मान करते हैं, यही तो भक्त की भावना होती है। अब भक्त भांति भांति के हैं, अब भक्त चाहे तो प्रभु को कहीं भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये तो उनकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। अब साथ ही हम अंदर एंटर कर गए हैं। अब मैं आपको बताऊं जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, ये मंदिर बेहद सुंदर और काफ़ी बड़ा मतलब मंदिर है ये कान्हा जी का, बेहद सुंदर। तो हम धीरे धीरे सभी दर्शन यहाँ पे देखिए आप दर्शन कर सकते हैं, लगातार लाइव चल रहा था। यहाँ दर्शन करते ही हम अंदर जा रहे थे, और अंदर जाते जाते ना एक उत्सुकता भी थी और कुछ बातों को हम सोच रहे थे कि प्रभु ना
कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। मैंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि हमको मतलब यहाँ जाना है, लेकिन ये सब हुआ और अचानक से हुआ। प्रभु का आदेश, ऐसा ऐसी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब आप सब जानते हो मेरी कुछ तीर्थ स्थान और बाकी हैं, मैं जानती हूँ कान्हा जी ऐसे ही अचानक से वो टूर भी बना देंगे और मेरे मतलब हमें उन स्थानों पर पुनः लेकर जाएंगे जिन स्थानों पर जाने की मेरी इच्छाएं हैं। तो अगर जिसको भी पता हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखे कि मैं और कहाँ कहाँ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ हम गोविंद देव जी के मंदिर में उनके सामने पहुँच चुके हैं। बेहद सुंदर लग रहे थे राधा रानी और हमारे बिहारी जी, बेहद बेहद सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर भी मैं आगे जाकर ही प्रभु के दर्शन करके आई, मुझे बहुत आनंद मिल रहा था और खुशी बहुत हो रही थी। अब हमने पता है एक ही दिन में काफ़ी सारे हमने दर्शन किए थे, तो यहाँ मुझे नहीं पता था कैसे क्या दर्शन हो रहे हैं, लेकिन कान्हा जी की तो अपनी मर्जी है। मैंने तो बस यही कहा लाला आगे बुला ले, तो पता चला पीछे एक लाइन लग रही है, मैं फटाफट वहाँ चली गई। कन्हैया यहीं पे मगन थे, वो अपनी गोपिकाओं को देख रहे थे भाई, अपनी सखियों को देख रहे थे, और यहाँ हम देख रहे थे हमारे राधा कृष्ण को जो बहुत मुस्कुरा रहे थे, बेहद सुंदर छवि में थे। होली का उत्सव है तो बहुत बहुत आनंद में प्रभु का प्रांगण बहुत बड़ा था, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। व्यवस्था भी बेहद सुंदर थी, मतलब किसी को तकलीफ नहीं होगी, सब प्रभु को बहुत सुंदर तरीके से उनको देख सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और यही चीज़ होते हुए मतलब हम सब दर्शन कर रहे थे, और ये लीजिए मैं भी प्रभु के पास तक पहुँच गई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रभु आपने प्रथम बार में ही मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। आप यहाँ थे मैं नहीं जानती थी और मुझे पता भी नहीं था। अभी तो बहुत भेद बाकी हैं, अभी आप बहुत कुछ जानने वाले हो, जो कि प्रभु ने अभी से पिछले साल की लीलाओं में दिखा चुका है अपने बहुत सारे अवतार के बारे में, है ना। तो वो भी मैं आप सबको याद दिलाऊंगी, लेकिन सेकंड वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो ही ये इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं सोच रही हूँ कि ये पोस्ट होगा भी कैसे, क्योंकि जब बड़ा वीडियो हो जाता है उसको सुबह से शाम तक वो पोस्ट ही नहीं होता है, मेरी तो समझ ही नहीं आता ऐसा कैसे हो जाता है। खैर, हम प्यारी सी छवि हमारे गोविंद देव, हमारी राधा रानी और उनकी सखियों की छवि को आप मन से निहारिए। और यहाँ पर अनंत भक्त हैं और खूब सारा नृत्य और भजन चल रहे थे, और कन्हैया आपको मालूम ही है जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो और कन्हैया न नाचे ऐसा हो नहीं सकता। पहले कन्हैया अकेला ही नाचने लगा, देखते देखते अनंत भक्त जो है उसके पहचान के, कुछ जान पहचान के, कुछ अनजान के, पता नहीं, अनंत अनंत भक्त उसके आसपास उसको घेर लिया। अब कन्हैया जब घिर जाते हैं तो कन्हैया को तो सबसे ज़्यादा आनंद आता है। अब कन्हैया लगे हैं बार बार सबको पोज देने में और सब मगन होकर नाच रहे हैं। होली का संगीत चल रहा है, सुंदर सुंदर गीत चल रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। ये वीडियो मैंने थोड़ा स्लो नहीं किया, मतलब फास्ट नहीं किया, अब आगे चल के फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ देखिए कितने आनंद में सब बहुत मगन है, सब बहुत मगन है। और कन्हैया इनकी तो मैं क्या कहूँ बस, और एक डर ये भी लगता है कि लाला इतना ज़्यादा मगन है कहीं चोट ना लगा ले, कहीं गिर ना जाए। अब हर भक्त चाहता है उसे गोद में लेना, देखने से तो लगता है कि जैसे उसे तुरंत कोई उठा लेगा, लेकिन जैसे ही उठाता है तो बहुत सारी माता बहनें तो कहने लगती हैं अरे ऐसे करके, अरे वो थोड़ा सा खाता पीता है, मेरा थोड़ा नहीं अच्छा खासा है, बस ये है कि बस देखने से लगता है कि वो फूल है और हमारे लिए वो फूल ही है बस, बाकी आप जैसी भावना रखेंगे आप वैसे कन्हैया को उठा सकते हैं। तो कन्हैया खूब मगन है, ये देखो चारों तरफ लगे हैं सब सेल्फी फ़ोटोज़ लेने कन्हैया के, और कन्हैया को भी कितना आनंद आ रहा है। इसीलिए इसे घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसे बाहर लेके जाओ इसे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने आपको कल ही वीडियो पोस्ट किया था कि किस तरह से वो कह रहा है कि मेरा मुँह सूख गया है और मुझे कहीं लेके नहीं गए। अब गर्मी बढ़ रही है, अब बताइए गर्मी में कैसे ज़्यादा लेके जाएंगे, सारी व्यवस्था होती है मैं तभी लेके जाती हूँ। अब बच्चे क्या हैं, बच्चे तो ज़िद करेंगे ही, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, है ना।
और यहाँ पर फिर से कन्हैया, ओहो इधर भी पोज दे दो, मुझे कन्हैया के चरण छूने हैं। तो सभी भक्त लगे हैं उसको प्रेम करने। सबको एक बार कन्हैया को गोद लेना है और कन्हैया भी नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं 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 मेरे चोट लग जाएगी। वो भी नखरे मारने में लगा हुआ है और ये सारी बातें मुझसे बुलवाने लगेगा वो, या सोना से बुलवाएगा, कुछ ना कुछ बुलवाएगा। फिर कहेगा ज़रा देखो देखो पीछे से हाथ लग रहा है। फिर मुझे बोलना पड़ेगा अरे अरे रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ इधर। अब उसने कह दिया जरी सोना मुझे ही उठा ले तू ऊपर, नहीं तो सब मुझे ही उठाने लग जाएंगे। और ये हमारा कन्हैया इतना नटखट की पूछो मत, क्योंकि जैसे ही वो भक्तों के पास जाएगा तो सब उसकी टोपी उसकी पगड़ी सब निकाल देते हैं, देखते भी नहीं हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है, वो कहता है उफ। फिर उसकी वो लीला मुझे याद आ जाती है, अरे ओ अम्मा थोड़ा ब्रश तो कर लेती, हाँ चुम्मी में तवही दूंगो। तो ये सब कन्हैया की बहुत, देखो उसकी वो उतर गई ना पगड़ी, मैंने कहा मुझे पता था उतरनी थी। और इस प्रकार इतना आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं घर, और ये हो गई है बहुत सारी शॉपिंग लाला के लिए। अब सारी मैंने आपको दिखाई नहीं, इनमें से बहुत सारी होली पर लाला पहन चुका है, जिनमें कुछ भक्तों की भी पोशाक हमने अर्पण की है और कुछ की, लेकिन उनकी वीडियोस मैं नहीं डाल पाई क्योंकि आप सब जानते हैं कितनी व्यस्तता है। तो होली में जो भी लाला ने ज़्यादातर पोशाकें पहनी हैं वो हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा अनुभव होता है, और मैं चाहती हूँ कि प्रभु को सभी इस तरह सेवाएँ देते रहें। अगर आप सक्षम हैं तो, नहीं है तो फूल दीजिए, नहीं है तो खीर दीजिए, खीर भी नहीं है रोटी दीजिए, रोटी नहीं है चावल दीजिए, जो आप दे सकते हैं प्रभु को ज़रूर अर्पण करते रहिए और खूब खुश रहिए। जो भी आप